और लिरिसिस्ट राइटर, ये बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक सॉन्ग है जो बहुत ही फीलिंग्स वाला सॉन्ग है। और अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है और वैलेंटाइन डे के ऊपर ये सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आई एम डायरेक्टर राजीव वालिया, ये गाना मैंने शूट किया है और मैं तो होने दे शुरू रोमांटिक सॉन्ग है और गाना तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। सर धवन कोडरानी, शुरुआत की है होने दे इसके शुरू ये सॉन्ग से, लेट्स सी आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मैं चाहता हूँ बने और मैं देता रहूँगा। दो तीन गाने अभी आगे हमने प्लान किया है राजीव भाई के साथ, बस आप सबका प्यार मिलेगा तो विल डू अगेन समथिंग। आई एम राजेश शर्मा, कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, ये सॉन्ग का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। और एक रोमांटिक गाना करने का बोला था धवन कोडरानी साहब ने कि रोमांटिक गाना करना, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो काफ़ी अच्छा गाना बनाया, दीपक नूर ने अच्छा लिखा है और राजीव वालिया साहब ने तो कमाल का डायरेक्शन दिया है, तो आप देख लिया गाना, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गाना करने का। गाने का आइडिया धवन कोडरानी साहब का, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इस गाने के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि भाई एक गाना हम प्लान कर रहे हैं, एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाते हैं, बाद में बड़े गाने बनाएंगे, तो यही बड़ा बन गया है, आगे तो बड़े और बनेंगे वो आप सोच लो। तो उन्होंने बोला एक रोमांटिक गाना बनाओ, क्योंकि आजकल रोमांटिक चल रहा है, दौर चल रहा है रोमांटिक गानों का। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया मिलने के लिए धवन भाई से, तो उन्होंने एक कुछ ब्रीफिंग दी हमें कि ऐसा ऐसा रोमांटिक सॉन्ग बनाओ, सोलो बढ़िया सिंगर लेना है, बड़ा सब डायरेक्टर लेना है, बड़ा लिरिक सब कुछ बड़ा चाहिए। वो फिर बनाया और बनते 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 बहुत अच्छा गाना बन गया। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी टीम वर्क से काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। और आजकल क्या हो गया है, दौर सब चलता है मिलियंस पे, कितने मिलियन मिल रहे हैं, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 45 मिलियन, वॉट एवर जो भी चल जाए, बस गाना इतना अच्छा बना है तो आगे बहुत अच्छे से जाए, तो बस वही सोच के आज अच्छा मन मना के आए हैं, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। गाना जी म्यूज़िक रिलीज़ कर रहा है और इनफैक्ट रिलीज़ हो गया होगा, आप अपने यूट्यूब लिंक चेक कर सकते हैं, अभी वो रितेश को मिल जाएगा लिंक्स। और सेकंड कल से या परसों से ETC और जिंग में आना भी शुरू हो जाएगा। और बस बाकी आप लोग सब, आई थिंक बहुत खूबसूरत मीडिया है, मैंने म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना बड़ा मीडिया कभी देखा नहीं, तो सब वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। एंड आप अभी आप लोगों के हाथ में इस गाने को प्रमोट करना, अगर आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो इसको उसी तरह से प्रमोट कीजिए तो गाना बड़ा बन जाएगा। ये थे लेकिन काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत, इन्होंने भी बहुत कुछ सॉन्ग के लिए सोचा है, किया है, जो अंदर बातें हुई बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कमलेश ठक्कर है, ये हमारे प्रोड्यूसर है, सेकंड प्रोड्यूसर है, धवन के पार्टनर है, धवन और कमलेश ने मिलकर गाना बनाया है। और मैं, मुझे याद है एक इंसिडेंट तेरा इंतज़ार का, जब मैंने फिल्म स्टार्ट की थी तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे बिजल मेहता जी ने, तो धवन और कमलेश को मेरे सामने बिठाया था, बोला राजीव भाई इनको सब्जेक्ट सुनाओ, तो मैंने इनको दोनों को 2 घंटे का नरेशन दिया था बिजल भाई के बंगले में वहाँ पे, तो तब से मेरी इन दोनों के साथ दोस्ती है, 3 साल हो गए अभी। जी बहुत अनुभवी डायरेक्टर है राजीव वालिया जी, सब लोग जानते ही हैं उनकी तेरा इंतज़ार जो मूवी थी उनमें उनका अनुभव हमें दिखाई है। और राजेश शर्मा तो नॉन पर्सन ही है आज की तारीख में, म्यूजिक डायरेक्टर, वन बाय वन बैक टू बैक इनके सॉन्ग्स आ ही रहे हैं कंटिन्यू में, तो बहुत अच्छा इन्होंने रिलीज़ किया है, बहुत वाकई तारीफ के काबिल है। दिस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली कंपोज एंड ब्यूटीफुली रिटन, सच अ वंडरफुल टीम, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स, यू नो, इट वाज जस्ट, मेरे लिए तो ये एकदम घर जैसे था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पिकनिक करने गई हूँ, तो बहुत मज़ा आया स्टोरी के। मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्त्री के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज़ में लोग है ना दूर रखते, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है। तो मैंने मिस्ती की, सुभाष जी के साथ भी मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, तो मैंने मिस्ती की कांची देखी थी, तो मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है फिल्म के, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा। और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्ती के फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो मेरे कोई जान पहचान में OP नाम के सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्ती के, मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्ती से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फोटोग्राफ भेजे। और जब मिस्ती फाइनल की हम लोग ने,
उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्त्री को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला उसको पूरा नरेशन याद था। तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। ओके तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स। और एक सॉन्ग है जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया। रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है उसका सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और उसने सॉरी भी बोला है, और उसने मीडिया बाइट्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइड अप है, वरना वो डेफिनेटली आता। और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो आपको पता ही चल जाएगा दो वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है। मिस्ती तो अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने उसका पूरा गाना किया है, और मैंने पूरा गाना हम लोग ने स्पॉन्टेनियसली शूट किया, ऐसा भी नहीं कुछ होमवर्क किया है, हम लोग सेट पे डिस्कस, क्योंकि मैंने उसको बोला था स्पॉन्टेनियस ही रहना। मैं जब भी मैं आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ मैं उनको बांध नहीं देता हूँ, मैं पहले उनके प्लस पॉइंट्स देखता हूँ, प्लस माइनस क्या है, फिर मैं उनको उसके हिसाब से कैरेक्टर में डाल देता हूँ। तो मिस्ती के साथ तो मुझे पता ही नहीं कब हम लोग ने शूटिंग की, ऐसा भी नहीं कि बहुत होमवर्क किया, बिकॉज शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, और मैं बहुत प्रिपेयर था गाने को लेके, मेरा होमवर्क बहुत रहता ही है। मेरी टीम भी अच्छी है, रतन है, राजीव है, राजेश है, धवन बहुत इंटरेक्ट करता है मेरे साथ, कमलेश बहुत इंटरेक्ट करता है, तो हम लोग पूरा होमवर्क करके शूटिंग पे गए थे, और मिस्ती ने तो बहुत इजीली किया परफॉर्मेंस।